हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग उपवास में रुके थे पिता, उन सबों को आपने ब्लेस किया, उन्हें आशीष दिया, तीन भर उपवास रहने में सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार तीन महीने तक हर फ्राइडे को उपवास रहने में सहायता करें और इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष से उतरने पाया मैं। प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस संध्याकालीन फास्टिंग प्रेयर सभा में। आमीन। मेरे पियो, हम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने राज के लिए चुन लिया है ताकि हम फल लाएं। पहला पत्रस के उसके दूसरे अध्याय के जब उसके हम नौ पद में देखेंगे तो यहां परमेश्वर हमसे वादे करते हैं। क्या कहते हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथ पदधारी याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट हो। हालेलुया। अंधकार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अब ज्योति की प्रकाश हमारे ऊपर चमका है। क्यों? अब हम ज्योति में बुलाए गए हैं तो ज्योति का जैसा हमारा गुण भी प्रकट होना चाहिए। पहले हम पर दया नहीं हुई थी लेकिन अब हम पर दया हुई है। आगे का वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तुम कुछ भी नहीं थे बल्कि अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, इसलिए उसने अपने एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। वो अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। अंधकार से निकलो। मुझे देखने वाले भाई बहन, मसीह को जानने के बाद भी अगर आप अंधकार में पड़े हुए हैं, पापों में पड़े हुए हैं, गुनाहों में पड़े हुए हैं, तो अब भी समय है, वहां से निकल आ और प्रभु के राज में प्रवेश कर तो तुझ पर दया की जाएगी। हालेलुया। अब हम ज्योति के संतान है तो उसके गुण भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ज्योति जैसा हमें बनना पड़ेगा, ज्योति में चलना होगा, ज्योति मैं करने हम ज्योति मैं बनकर हम सबको ज्योति में ले जाने वाले बन जाए ताकि उनके भी गुण प्रकट हो ज्योति में। पापों से गुनाहों से फिरो और यीशु मसीह के पास आकर उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करो। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। जितने लोग बीज को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज भोतरी के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग उपवास रुके थे प्रभु आप सबको आशीष दे। हम अपना काम करके छोड़ दें, सही समय आने पर परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट करेगा। आमीन। लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जीवित खुदा हमारे संग है, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे संग है। आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हम पिता का धन्यवाद करें। उपास प्रार्थना करने में हमारी सहायता किया, हम पिता का धन्यवाद करें। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ओ अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। ओ जिंदा खुदा हमारे संग संग है। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की यह समय के लिए। पिता परमेश्वर आपने पिता हमारे जीवन में एक नया दिन दिया पिता। ओ रेस्से के दिन भर पंखों की आड़ में छुपाया रखे, आने जाने में सहायता किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया पिता, उपास रहने में सहायता किया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग पिता आज के दिन उपास में रुके हैं पिता, लगातार तीन महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में सहायता और मदद करें, इनके कामों को सफल करें और सारी चिंता सारी परेशानी सारी बाधाएं इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। जो भी इनके रास्ते बंद हैं और रास्ते खुलने पाए, ये बंधन टूटने पाए और चिंता परेशानियों से पिता आजाद होकर आपकी
लिए महिमा करने वाले हो जाए पिता। हर एक दुखों का इनके जीवन में अंत होने पाए, हर एक परेशानियों का इनके जीवन में अंत होने पाए पिता। जो थक चुके हैं, जो बोझ दबे घरा रहे हैं पिता, वो सारे बोझों से आजाद हो जाए और रेस से के सारी परेशानी और चिंताएं और निराशाएं इनके जीवन से बाहर जाए। जो भी इनके रास्ते बंद है वो खुल जाए आपके नाम से। जो भी रुकावटें बाधाएं पिता इनके जीवन में आ रही है, उन रुकावटें बाधाओं को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूँ और इनके सारे काम सफल होती जाए, रास्ते बनते जाए, सफलता मिलते जाए। इनके बच्चों इनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके बच्चों के जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट कीजिए। इनके बच्चे सफलता की ओर जाने पाए पिता, इनके बच्चों के जीवन में सफलता स्वर्ग से उतरने पाए और आपके नाम से इनके बच्चे सफलता पे सफलता प्राप्त करते जाए पिता। इनको इनके पूरे परिवार को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए पिता और अपनी महिमा के लिए आप इन सबको बहुत आय से उपयोग कीजिए खुदावन। वावरा सिखरा बाहुला बारी करा रेकम जयम। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। चिंता और परेशानी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। हे थके मांदे बोझ दबे घर आए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है, आपको फलवंत कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके मार्ग खुल रहे हैं, सारे दुखों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आशीष की धारा बह के आ रही है, आशीष की धारा बह के आ रही है, आशीष से आ रही है। ओ अबर सिखा रबा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ही आशीषित हो जाए पिता। घर में जो भी प्रकार की समस्याएं हैं वो समस्याएं बाहर जाए, वो परेशानियां बाहर जाए, वो चिंताएं बाहर जाए पिता। आज के उपास प्रार्थना में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी घर की समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशापन दूर हो जाए, हर एक दुखों का पिता इनके जीवन में अंत हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। ओ बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये फलवंत होने पाए, ये आशीषित होने पाए पिता और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। वाबरा सिखा रबा हुलाबा रिक करबा रेकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीषित हो जाए, ये फलवंत हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जो भी रास्ते बंद है वो रास्ते खुल जाए, वो बंधन टूट जाए, चिंता और परेशानी से पिता इन्हें आजादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। और रे सिखरे वे आपकी महिमा प्रकट हो जाए, सफलता पे सफलता मिलते जाए, रुकावटें बधाएं सब दूर हो जाए, इनके बच्चे आगे बढ़ने पाए, इनके बच्चों के जीवन पिता आगे बढ़ने जो रुकावटें बधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए पिता। हर एक रास्ते खुल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, सारी समस्याएं यीशु के नाम में बाहर जाए, हर एक समस्याएं यीशु के नाम में बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशापन दूर हो जाए पिता और घरों में खुशहाली आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। जो अशांति की आत्माएं कार्य कर रही है वो सब दूर हो जाए पिता। इनके जीवन में सुख और शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बनने पाए। जिन घरों में पिता लड़ाई झड़ी की आत्माएं कार्य कर रही है मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन घरों में शांति आ जाए, उन घरों में आशीषें आ जाए, उन घरों में मिलाप की आत्मा आ जाए पिता, सुख और शांति की बारिश होने पाए, उन घरों में आपकी महिमा स्वर्ग से प्रकट होने पाए। वाबरा सिखा रबा, इसी समय पिता आपकी शांति इनके हृदय में व्याप हो जाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए और सुख और शांति इनके जीवन में आने पाए पिता। ऐसे आशीष से अनुग्रह आपने पिता इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में पड़े हुए हैं मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक अंधकार की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्माओं से ये आजाद हो जाए पिता। हर एक बंधन टूटने पर विचार की आत्माओं से पिता फिरने पाए पिता और इनके हृदय इनके मन के ऊपर प्रभु जी आपका कब्जा होने पाए। हर एक के हृदय मन में पिता और आपका पिता परमेश्वर है वो नाम रहने पाए पिता। और जो भी समस्याएं परेशानी चिंताएं इनके जीवन में है वो सब दूर हो जाए, इनके बंद द्वार खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, चिंता और परेशानी इनके जीवन से बाहर जाए। हे थके मांदे बोझ दबे घर आए लोगो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। अपना बोझ हवा पर डाल, अपना बोझ हवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को टलने ना दे
देगा। धर्मियों के तम जयकार की ध्वनि उठ रही है, वो आपके परिवारों में, आपके घरों में सुख और शांति की आस से दे रहा है। ओ चिंता परेशानियों को निकालो और विश्वास से प्रार्थना करो, आसियाना शुरू हो रही है। आज से इनके घरों में आसियाना शुरू हो जाए, जो भी रुकावट के बाधाएं पिता उस सब दूर हो जाए, जो बंधन पिता और टूटने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। ओरिमारा सिखा राबा रेक तम जयम यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम यह आशीष हो जाए, यह फलवंत हो जाए। पिता आपके नाम से मैंने आशीष करते हैं, आपके नाम से मेरे पिता आशीष करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं। अद्भुत आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता आपने पिता हमें चुन लिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और रे सेखरे भी मेरे पियो, अब निजी प्रजा है हम, यस तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, उसके गुण को प्रकट करो। ज्योति में बुलाए गए उसके गुण प्रकट करो। तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पहले, लेकिन अब परमेश्वर की दया तुम पर हुई है, उसके गुण को प्रकट करो। ओ हालेलुया, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पिता हम आपके नाम से पिता धन्यवाद करते हैं, सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। इनके सारे बंधन टूटे, चिंता परेशानी दुख निराशापन इनके जीवन से बाहर जाए, परेशानी चिंताएं समस्याएं सब बाहर निकलने पाए और आपके नाम से आशीष हो जाए। आज खास प्रार्थना में हम आपके नाम से आशीष करते हैं। बीमार लोग हैं पिता, जो सालों महीनों से पिता बीमार पड़े हैं, पिता दवाई खा के थक चुके हैं, पिता डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं प्रभु जी, ये थके मांदे आए हैं पिता, लेकिन यह विश्वास के साथ आए प्रभु जी। हाँ पिता आपने कहा है, जो विश्वास करेगा अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखेगा। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और आपके नाम से मैंने आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पत्री गिल्टियां गांठे गल के बाहर जाए, इनके शरीर में जहां गांठे पिता वो गांठे यीशु के नाम में बाहर जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, वो गांठे धुएं के समान उड़ जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, और प्रार्थना को देखते देखते दवाई से खाती है चंगे हो जाए पिता। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। ओ आबा राबा सिका राबा उला राबा रिका राबा रिकम जयम, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पत्री गिल्टियां गांठे यीशु के नाम में बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए पिता, ओ थायराइड की बीमारियां बाहर, यूट्रस की बीमारियां बाहर जाए, झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके बीमारियां बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, गली की समस्याएं, आँख की समस्याएं, पेट दर्द और सीने का दर्द बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, बैक पेन, टखनों का दर्द यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, गले की समस्याएं बाहर निकलने पाए, सीने ब्लॉकेज है ओपन हो जाए, नसों में खून रुका है ब्लॉकेज है पिता ओपन हो जाए, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। इसी समय आपके नाम से हम इन्हें चंगाई की आशीष की घोषणा करते हैं। अपने मुंह से इंकार करें, आज के उपास प्रार्थना में विश्वास करें, मिरेकल हो रहे हैं, अद्भुत चंगाई प्रकट हो रहा है। अपने मुंह से कहें, मैं यीशु कूड़े खाने चंगे हो चुकी हूं, मैं यीशु कूड़े खाने चंगे हो चुका हूं। ओ रे सेखरे बे, ओ हालेलुया, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है आपके शरीरों में। हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन से परमेश्वर आजाद कर रहा है। इसी समय पिता आपके नाम से ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनकी हड्डियों में नया बल आने पाए, नया शक्ति और नया सामर्थ्य आने पाए पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, इन्फेक्शन बाहर जाए, पेट दर्द से छुटकारा मिलने पाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी इनके शरीर से गायब हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो विश्वास कर रहे हैं और आमीन के साथ इन शब्दों को, इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आ रहा है, आपके शरीरों में चंगाई आ रही है, यीशु के नाम में आ रही है, यीशु के नाम में आ रही है। जितने लोग क्लेम कर रहे हैं यीशु के नाम में चंगाई उनका है, और आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा आपके शरीरों में प्रकट हो रहा है। ओ अबारा सिखा राबा, इसी समय ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। ओ हालेलुया।
या ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, इसी समय आपके नाम से ये शिफा पाने पाए। हर प्रकार की बीमारी के बंधन से आपने आजाद कर दिया, हर एक बीमारियां इनके शरीर से पिता आपने निकाल दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। आपने शिफा दे दिया, आपने चंगाई दे दिया पिता, हर एक बीमारी के बंधन से आपने आजाद कर दिया इन्हें, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ और आमीन के साथ क्लेम करें, विश्वास के साथ क्लेम करें, परमेश्वर आपको शिफा चंगाई दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकल रही है। आपने शिफा चंगाई दे दिया, हर एक बीमारी के बंधन से आपने आजाद किया, हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओ रीमा रामा सीका राबा उला राबा रिका राबा रिकम जयदेशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु रीमा रा सीखा राबा आमेन 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 आमेन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने प्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता नौकरी के लिए प्रार्थना करवाए हैं, हम आपके नाम से पिता इन्हें प्लेस करते हैं। मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की आशीषें देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और आपके नाम से प्लेस हो जाए पिता, ये ऊंच पदों बैठाए जाए, इनके लिए द्वार खुलते जाए, इनके बंधन टूटते जाए, मार्ग ओपन होते जाए पिता। और पिता इनके प्रमोशन होने पाए, इनकी सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। ऐसे आशीष से, ऐसे ब्लेसिंग आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ आबा रा सीखा राबा, यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम यह आशीष हो जाए, ये फलवंत हो जाए, और आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओ पिता, जो पिता बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, आप इन्हें ब्लेस करें, अपनी आंसुओं से भरपूर करें। आज के उपास प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष प्रदान करें पिता, और हर एक बंधन ब्लैक मैजिक के बंधन से आजाद हो जाए। आपने पिता इन्हें बच्चे की आशीष दे दिया, धन्यवाद 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 करते हैं। वाबर रसिखा राबा रेकम जयम, जिनका आज पिता पथड़े हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु, ओ लॉर्ड, ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। आपने इन्हें ब्लेस किया, आपने इन्हें आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, इस पृथ्वी पर जब से लाया अब तक आपने संभाला और एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल में आंसुओं का साल ठहरने पाए, हर एक काम सफल होने पाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष नए साल में इनके जीवन में उतरने पाए पिता। ये अपने डील डॉल में आगे बढ़ाइए, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, और ये पिता आप में आगे बढ़ने का साल ठहरने पाए, आशीष का प्राप्त करने का साल ठहरने पाए, हर एक क्षेत्रों में सफलता मिल जाए। जो छोटे बच्चे बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें और अपनी महिमा का उपयोग करें पिता, जो केक काटे उस केक के ऊपर आपकी बड़ी आशीष से उतरने पाए और उस केक में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जिनका पिता सालगिरह है, जब से आपने जुड़ अब तक आपने संभाला, एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस नए साल में आशीष हो जाए, नए साल में ब्लेसिंग हो जाए, ये पिता नए साल इनके इनके परिवार इनके बच्चों के लिए आशीष का साल ठहरने पाए। नए साल दिया, हर एक काम सफल हो जाए इस साल पिता, और सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, बीमारियां बाहर जाए। और पिता, जिस घर में प्रार्थना चरी पिता, उस घर में आज से चंगाई और सामर्थ्य होने पाए। घर के चारों तरफ मैं शुक्ल पाड़े बांधता हूँ। जितने लोग बाहर रह कर देख रहे पिता, ओ पिता परमेश्वर, जो काम है बिजनेस है पिता, उन्हें काम करने में सहायता करे पिता, बिजनेस करने में सहायता करे प्रभु जी। हाँ पिता, बिजनेस फलवंत होने पाए, नौकरी में आशीष प्रदान करे, नौकरी में पिता इन्हें बढ़ोतरी मिलने पाए, वीजा पीआर की ब्लेसिंग मिलने पाए। पंखों की आड़ में छुपाए रखिए इनके परिवार के लोग, जहाँ कहीं भी है पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए। जिस विषय के लिए आज उपास में रुके हैं, इनके प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता। हाँ पिता, यह उपास प्रार्थना इनके इनके परिवारों के लिए आशीष भरा होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हम आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं सूर्य, हर एक के जीवन में आशीष की बारिश होने पाए, हर एक काम सफल होने पाए। आज के उपास प्रार्थना को आपने आशीष करके दिया। जितने लोग उपास लोग जिस विषय के लिए इनकी प्रार्थना सुन में गहन योग होने पाए, रात में बुरे सपनों से बचाए रखें, सुखनाय नींद पिता, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं।
सुंदयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु ने हमें ब्लेस कर दिया, हमें आशीष दे दी, हमारे कामों को सफल कर दिया, बंधनों को तोड़कर हमें जयवंत कर दिया है, आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।